आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में, और ये जो है बेस्ड ऑन माउंटिंग के हिसाब से रहने वाला है। माउंटिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ माउंटिंग के बारे में ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक इलेक्ट्रिकल पर्सन के लिए। तो प्लीज गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये माउंटिंग क्या होता है। बिल्कुल शॉर्ट में, मोटर के जिस पार्ट्स में नट बोल्ट लगा करके टाइट किया जाता है उसके पोजीशन पे, उस जगह को जो है इंग्लिश में माउंटिंग कहते हैं जनरली। ये मोटर माउंटिंग के हिसाब से पांच तरह का होता है। पहला फुट माउंटिंग, दूसरा फ्लेंज माउंटिंग, तीसरा फेस माउंटिंग, चौथा फुट फ्लेंज माउंटिंग, पाँचवा फुट फेस माउंटिंग। अब गाइस एक एक करके इस चीज को जो है देख लेते हैं ताकि आपका सभी डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फुट माउंटिंग के बारे में। तो गाइस फुट माउंटिंग का मतलब हो गया हमारा जो ये मोटर है, इस मोटर के जो फुट है यानी कि चार नट बोल्ट से जो है हमारा मोटर टाइट हो जाता है, इस तरह के मोटर को जो है फुट माउंटिंग बोला जाता है। दूसरा मैंने जो आपको बताया वो फ्लेंज माउंटिंग, तो फ्लेंज माउंटिंग का मतलब हो गया हमारे मोटर के ड्राइव साइड में एक फ्लेंज यानी रिंग टाइप का एक लगा हुआ रहता है हमारे मोटर पे, और हमारा वो मोटर जो है डायरेक्ट मैकेनिकल का जो कपलिंग है उसके साथ जो है डायरेक्ट हमारा मोटर जो है टाइट हो जाता है यानी कि माउंट हो जाता है। तीसरा जो बताया मैं वो है फेस माउंटिंग, तो फेस माउंटिंग का मतलब हो गया हमारे मोटर के जो फेस है यानी कि हमारे ड्राइव साइड के जो रोटर है वो डायरेक्ट हमारे मैकेनिकल के जो कपलिंग है उसके अंदर चला जाता है, और मैकेनिकल के वो कपलिंग के साथ जो है डायरेक्ट ये मोटर जो है टाइट किया जाता है यानी कि माउंट किया जाता है। चौथा टाइप है फुट फ्लेंज माउंटिंग, इसका मतलब हो गया कि हमारे इस मोटर में फुट भी रहेगा यानी कि ग्राउंड के साथ भी ये अटैच रहेगा, और हमारे ये फ्लेंज यानी कि मोटर के ड्राइव साइड में एक रिंग टाइप का होता है जिसे फ्लेंज कहा जाता है, फ्लेंज के साथ भी जो है ये माउंटेड किया जाता है यानी कि दो तरफ से जो है ये माउंटेड किया जाता है। और पांचवा जो है वो है हमारा फुट एंड फेस माउंटेड, मतलब इस जगह में फुट भी रहेगा और फेस के साथ यानी कि वो जो फ्लेंज लगाया गया था वो फ्लेंज का जो है यूज़ अब नहीं किया जाएगा। हमारे जो मोटर के फुट है, फुट और मोटर के फेस हमारे मैकेनिकल के कपलिंग के साथ जो है आकर के अटैच होगा और हमारा मोटर रेडी हो जाएगा। तो गाइज मैंने अभी आपको जो बताया ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग पे ये सवाल किस तरह आया मैं आपको बताता हूँ। प्लांट में एक बार लुब्रिकेशन का एक मोटर था जो कि फ्लेंज माउंटेड था। अब मेरे सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि फ्लेंज टाइप का मोटर जो है वर्कशॉप में है देख के आओ, यानी कि स्पेयर पे रखा हुआ था तो मोटर को मंगवाना था। अब गाइस मैं तो वर्कशॉप चला गया तब मुझे पता चला कि सर ने कुछ बोले कि फ्लेंज टाइप का, और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि फ्लेंज टाइप का मोटर क्या होता है। तो गाइस मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक के ऊपर भी जो है वीडियो देना चाहिए ताकि आप अगर इंडस्ट्रीज में पहली बार जॉब कर रहे हैं तो आप जो है कभी भी इस तरह से चक्कर में ना पड़े। तो गाइस मोटर के जो है माउंटिंग के हिसाब से पाँच तरह का मोटर होता है। पहला फुट माउंटिंग, दूसरा फेस माउंटिंग, तीसरा फ्लेंज माउंटिंग, चौथा फुट फेस माउंटिंग, और पांचवा फुट फ्लेंज माउंटिंग। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वीडियोज़ हैं वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।